गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो है गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण। आपने 11th में पढ़ा था संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यापारिक संस्थाएं और दूसरी होती है गैर व्यापारिक संस्थाएं। भाई दो टाइप की संस्थाएं होती है, एक है आपका व्यापारी और दूसरी होती है गैर व्यापारी। दो प्रकार की संस्था होती है, व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था। व्यापारिक संस्थाएं वे संस्था होती है जिन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी उनका उद्देश्य सिर्फ लाभ होता है। जिसके अंदर व्यापार होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वो संस्थाएं व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। और दूसरी संस्था होती है हमारी और वो होती है गैर व्यापारिक संस्था, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम देते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अपितु जो संस्थाएं सेवा करने के उद्देश्य से, मनोरंजन करने के उद्देश्य से, कोई साहित्यिक गोष्ठी ग्रह आयोजित करने के उद्देश्य से या कोई टूर्नामेंट कराने के लिए, जिसके अंदर जिनका उद्देश्य केवल और केवल सेवा प्रदान करना पहले होता है, यानी गैर व्यापारिक संस्था है। ऐसी संस्था होती है जिन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अपितु जो संस्थाएं सेवा करने के उद्देश्य से, मनोरंजन करने के उद्देश्य से या कोई साहित्यिक गोष्ठी ग्रह आयोजित करने के उद्देश्य से जिन संस्थाओं को बनाया जाता है वे सभी संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में पीओ क्लब, लाइंस क्लब, कोई स्कूल, विद्यालय, किसी धर्मशाला का खाता, किसी समाज का खाता, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हो, कॉलेज हो, ये सभी गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण। इन गैर व्यापारिक संस्थाओं में कुछ पेशेवर व्यक्तियों को भी शामिल कर दिया गया, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, टीच, अध्यापक, शिक्षक, प्रोफेसर, ये सब भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए। तो गैर व्यापारिक संस्था है दो प्रकार की संस्था हो गई, एक होगी व्यापारिक संस्था और दूसरी होगी गैर व्यापारिक संस्था। व्यापारिक संस्था किसे क्या पता है, ऐसी संस्था है जिन संस्था का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता, और दूसरा होता है गैर व्यापारिक संस्था। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि जो सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए या कोई साहित्यिक गोष्ठी का आयोजित करने के लिए जो संस्था स्थापित की जाए वे संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। और व्यापारिक संस्थाओं के बारे में तो हमने पूरा 11th के अंदर पढ़ा था कि व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किन पद्धतियों के आधार पर रखती है। तो व्यापारिक संस्था के हिसाब किताब के लिए आपने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया। हम यहां पर सिर्फ गैर व्यापारिक संस्थाओं की बात करेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किन पद्धतियों के आधार पर रखती है। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब रखने के लिए यहां पर दो पद्धति का प्रयोग करती है, एक होती है रोकड़ प्रणाली और दूसरी होती है व्यापार। वैसे गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब हमेशा रोकड़ प्रणाली का ही प्रयोग करती है। उसका कारण यह है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के जितने भी लेन देन होते हैं वो पूर्णतया नगद में होते हैं, अधिकतर नगद में होते हैं, इसलिए ये संस्थाएं अपना हिसाब किताब रखने के लिए रोकड़ प्रणाली का प्रयोग करती है। रोकड़ प्रणाली में इस पद्धति में सबसे पहले गैर व्यापारिक संस्थाएं इसमें समस्त नकद लेन देनों का लेखा किया जाता है, और यदि कोई उधार लेन देन हो भी जाता है तो सब सबसे पहले स्मरण पुस्तक में लिख देते हैं, और जैसे ही राशि नकद होती है इसका लेखा हम रोकड़ पुस्तक में कर देते हैं। वर्ष के अंत में एक गैर व्यापारिक संस्था है रोकड़ पुस्तक की सहायता से प्राप्ति भुगतान करती है, जिसको हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं।
आय में खाता यानी कम एक्सपेंडिचर अकाउंट और चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट बनाती है। तो इस प्रकार से गैर व्यापारिक जो संस्था होती है वो अपना हिसाब किताब बनाने के लिए तीन प्रकार के अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करती है। एक होता हमारा प्राप्ति भुगतान खाता, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। एक होता हमारा आय व्यय खाता, जिसको हम बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिर आखिरी में बनाते हैं चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। तो गैर व्यापारिक संस्था है अपना जब हिसाब किताब रखती है तो अधिकतर रोकड़ प्रणाली का ही प्रयोग करती है, क्योंकि इसमें अधिकतर लेन देन नगद में ही होते हैं। पर अगर कोई उधार लेन देन हो भी जाता है तो उसे सबसे पहले हम स्मरण पुस्तक यानी मेमोरेंडम बुक में लिख लेते हैं, और जैसे ही राशि नगद होती है इसका भी लेखा रोकड़ पुस्तक में कर दिया जाता है। वर्ष के अंत में रोकड़ पुस्तक की सहायता से प्राप्ति भुगतान खाता और प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से आय व्यय खाता और चिट्ठा तैयार कर दिया। अब गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंदर बहुत सारी चीज आती है। एग्जाम्पल में खेलकूद की समस्त संस्थाएं आ जाती है, सामाजिक संस्थाएं आती है, व्यायामशाला आती है, पुस्तकालय आते हैं, मंदिर मस्जिद, इन सभी के अकाउंट गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंदर हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है प्राप्ति भुगतान खाता। अब प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है हम इसकी बात करते हैं, बेसिक अकाउंट की बात करेंगे। प्राप्ति भुगतान खाता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही का सार है, जिसमें समस्त नगद प्राप्ति चाहे वो गत वर्ष की हो, चालू वर्ष की हो या आगामी वर्ष की हो, चाहे वो पूंजीगत हो या आगमगत हो, जितने भी नगद प्राप्तियां होती है वो सब प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में आएगी। और जितना भी हम भुगतान करेंगे, चाहे उनका रिलेशन भी गत वर्ष से हो या आगामी वर्ष से हो या चालू वर्ष से हो, चाहे वो पूंजीगत हो या आगमगत हो, अगर भुगतान हुआ है तो सभी प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाएंगे। प्राप्ति भुगतान खाता जब हम रिसीप्ट और प्राप्ति भुगतान दोनों लिख लेंगे तो आखिरी में शेष लिखा जाएगा। अब प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाते हैं पूरा फॉर्मेट देखेंगे एक बार। प्राप्ति भुगतान खाता बनाता कि प्राप्ति भुगतान खाता हम जब भी बनाएंगे सबसे पहले ऊपर एक ऊपर हम यहाँ क्लब का नाम लिखेंगे, मान लीजिए लायंस क्लब, तो ऊपर हेडिंग डालेंगे लायंस क्लब। उसके बाद आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखेंगे हम फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग ओवर जो भी डेट होगा ईयर एंडिंग का उसे लिखेंगे। ये हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे पहले डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर हम प्राप्ति यानी रिसिप्ट को लिखेंगे, यहां हमारी रिसिप्ट आ जाएगी या फीस, इधर भुगतान यानी कि पेमेंट और रुपीस। सबसे पहले जब हम प्राप्ति भुगतान यानी जो हम गैर व्यापारिक संस्था पढ़ रहे हैं उनके अंदर जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें हम सबसे पहला अकाउंट सीखेंगे प्राप्ति भुगतान खाता यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले हमको लिखना ऊपर क्लब का नाम लाइन्स क्लब, फिर लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग और जो भी डेट वो डालेंगे, इधर आएगा प्राप्ति इधर भुगतान। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले प्रारंभिक स्टेज लिखते हैं यानी ओपनिंग बैलेंस। तो जो ओपनिंग बैलेंस है प्रारंभिक स्टेज है पहले उसे लिखेंगे टू बैलेंस बिल करके। इसके अंदर बैलेंस में कैश इन हैंड भी हो सकता है, कैश एट बैंक भी हो सकता है और पेटी कैश भी हो सकता है। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है सबसे पहले टू बैलेंस बिल करके हम यहां पर लिखेंगे। इसके बाद जितने भी रिसिप्ट होगी जितने भी प्राप्तियां है वो सभी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जितना भी रुपया प्राप्त हो
चाहे वो पूंजीगत हो या आगमगत हो, चाहे वो गत वर्ष का हो, चालू वर्ष का हो या आगामी वर्ष का हो, जितना भी रुपया प्राप्त होगा वो सब हम डेबिट लेंगे। अब क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती है, जैसे सब्सक्रिप्शन चंदा प्राप्त हुआ, चंदे को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन जो मैं प्राप्त हूँ चाहे किसी भी अर्थ हो, माय रिसिपिएंट, अगर आपको किसी से डोनेशन मिला है क्योंकि तो आपको डोनेशन मिलता है, चाहे वो स्पेशलाइज्ड हो या नॉर्मल डोनेशन हो, सभी डोनेशन आएगा। अगर किसी से हमको रेंट रिसीव हुआ है तो रेंट रिसीव भी यहाँ पर। अगर किसी से कोई हमने असेट्स सेल करी है, मान लीजिए सेल ऑफ फर्नीचर है, तो उससे भी हमें कैश मिलेगा, तो यहाँ हम सेल ऑफ फर्नीचर भी। तो जितनी भी रिसिप्ट होगी वो सभी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट से। मान लीजिए आपने रेंट पेड किया है तो इधर लिखेंगे रेंट पेड, किसी को आपने सैलरी दी है तो यह आ जाएगा बाहर सैलरी। अगर आपने किसी को रेम्यूनरेशन दिया है, पनिशमेंट दिया है, तो ये ऑनरेरी दिया जाए। अगर आपने कोई असेट्स या बुक परचेस करी तो पेमेंट हुआ तो लिखेंगे बुक्स परचेज। कोई आपने मशीनरी परचेस करी है तो वो भी आ जाएगा। इसलिए जो भी पेमेंट होगा अदर पेमेंट जो भी, तो रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट का एक ही रूल है कि हमें जितना भी अमाउंट रिसीव हो, चाहे वो गत वर्ष का हो, आगामी वर्ष का हो या चालू वर्ष का हो, जितना भी रुपया प्राप्त होगा वो सारा हम डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और जो भी हम भुगतान करेंगे वो सारा हम पेमेंट साइड में लिखेंगे, और ईयर के एंड में रिसिप्ट और पेमेंट का टोटल लगाएंगे। यदि रिसिप्ट का टोटल ज्यादा है और पेमेंट साइड का टोटल कम होगा तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सी। ऐसा जरूर नहीं है कि हमेशा रिसिप्ट का टोटल बड़ा हो, पेमेंट का टोटल छोटा हो। अगर रिसिप्ट का टोटल ज्यादा है, पेमेंट का टोटल कम है, तो बैलेंस निकल जाएगा। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पेमेंट ज्यादा हो गया रिसिप्ट कम है, तो फिर वो ओवरड्राफ्ट की कंडीशन भी यहाँ पर बन सकती है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बात को ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर यानी प्राप्ति भुगतान खाते में किसी भी प्रकार का कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा। अगत व्यय, पूर्वगत व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, मूल्य राशि, डूबत ऋण, ऐसा कोई भी समायोजन हम प्राप्ति भुगतान खाते के अंदर नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। शॉर्ट में एक बार फिर सुन लीजिएगा, जब भी हम रिसिप्ट, बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है, कोई ज्यादा कठिन नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है बहुत सिंपल। क्लब का नाम लिख दिया, हैडिंग डाल दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर। डेबिट साइड में जितनी भी प्राप्ति आए, तो जितना भी अमाउंट है व्हाट कम्स इन, जितना भी रुपया प्राप्त हो, चाहे वो गत वर्ष का हो, चालू वर्ष का हो या आगामी वर्ष, जितना भी प्राप्त हुआ वो सब डेबिट पक्ष में, और जितना भी हम भुगतान करेंगे वो सब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा, टोटल लगाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वो बाय बैलेंस शीट हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा काम है, ये ज्यादा कठिन नहीं है।